सलाम वालेकुम बॉस, क्या हाल है, कैसे हो? बॉस, वो आपकी बहन कॉल कर रही थी, कह रही है कि आप फोन नहीं उठा रहे, तो फ्री हो के उनको जरा कॉल कर लीजिएगा। कर लूंगा फोन। जगह देख रहे हो? बॉस, वो आपकी बहन ने बोला आप पे नजर रखने को, वो कह रही है आपकी तबीयत खराब है। वो बॉस, असल में बहनें जो होती हैं ना बॉस, वो आज वो देवदास के साथ ऑफिस, खैर तो है, ज्यादा लगाव तो नहीं हो गया उस पागल के साथ? पागल भी नहीं है वो। बस ये तो आपकी माँ की तस्वीर नहीं है? इसका भी कोई कनेक्शन है इस देवदास के केस से? नीचे रखो इसे, अपने काम से काम रखो। सही है बस। सर, एक एड्रेस दे रहा हूँ, इस पर नजर रखो 24 घंटे। इसको, इसकी फैमिली को, लड़की की फैमिली को, सबको सस्पेक्ट समझो। सारी रिपोर्ट चाहिए मुझे। और यस सर। 1 मिनट, ये जहाँजीब के पास भिजवा दो। सर इसकी रिपोर्ट 24 घंटों में चाहिए मुझे, ओके। सिर्फ 24 घंटे। जी सर। गो। इस वक्त यहां आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यह जगह ठीक नहीं है? घर चले जाओ बेटा। आप वही है ना जिसे सब चाचू कहते हैं? इन्हें यहाँ देखा आपने कभी? ये 18 साल पुरानी तस्वीर है, इसी जगह की है। देख के कुछ याद आ रहा है आपको? माफ करना बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा। 18 साल पुरानी बात है, मुझे याद नहीं है।
इस लड़की को देखा है, ये कुछ दिन पहले की तस्वीर है, यहाँ की देखा है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। अगर आप कुछ जानते हैं तो बता दें मुझे, मैं मदद करने आया हूं। क्या आपको मालूम है ये जिंदा है या कहाँ है? नहीं मालूम बेटा। पानी मालूम ये जिंदा है या कहाँ है? आप मेरी मदद कर सकते हैं या नहीं? बेटा, दो दिन पहले एक नई कब्र बनी है उधर, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा, पता नहीं किसकी है, जाओ जाकर देख लो। शुक्रिया बेटा। जिंदगी प्यारी है तो चले जाओ यहां से, यहां से चले जाओ। जिंदगी प्यारी तब लगती है जब जीने के लायक हो। कमाल, मेरी तरफ आओ बेटा। तुम मेरी मां लोगे हो? भूल गए मुझे? अपनी मां को भूल गए? तुम मेरी मां नहीं हो। और से देखो बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। नहीं तो मेरी माँ नहीं हो। जिंदा जिंदा ढूंढ सका अब तू अपने हाथों से मेरा कत्ल करेगा। याद रख, तू भी वैसे मरेगा जैसे मैं मरी थी, वैसे जब दफन होगा, यही 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 दफन होगा, ऐसी कब्र दफन होगा, इसी जगह दफन होगा, यही दफन होगा, यही दफन होगा, इसी कब्र दफन होगा, इसी जगह दफन होगा,
यही दफन होगा, यही दफन होगा। आंखें बंद कर लो कमाल। वक्त आ गया, मेरी तरफ आओ बेटा। आओ, अपनी माँ के पास आओ। आओ पापा। कमाल क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? क्या मतलब पता नहीं, कहाँ हो तुम? कब्रिस्तान में, कर्सास पे। तुम वहां क्या कर रहे हो? सच की तलाश में खोदी हुई कब्र में लाश भरा बैठा हूं। क्या कह रहे हो? मेरे को किसने मारा? किसने मारा मेरे को? कमाल, गड़े मूर्ति उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। मूर्ति उखड़ चुके और नहीं करने को तैयार है। सामने खड़ी मुझसे पूछ रही है कि मैंने उन्हें क्यों मरने दिया। अम्मी फिर से? नहीं कमाल, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है, हकीकत नहीं है। वहम नहीं है, ये कैसा वहम है जो हकीकत की तरह साफ दिखाई दे रहा है मुझे? अम्मी बुला रही है मुझे अपने पास और मैं हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार हूं। कमाल नहीं, सच क्या है आपके? एक कमा भी सच और दफन रहा तो मैं भी यही दफन हो जाऊंगा। कमाल वहां से निकलो प्लीज। क्या सच है मैंने अपनी मां को मारा है? तुमने नहीं मारा कमाल, मरने दिया। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। किसका कसूर है? क्या इतना काफी नहीं है कि तुम बेकसूर हो? इतना काफी नहीं है मेरे लिए। कमाल रुको प्लीज। कमाल नहीं, कमाल, कमाल कसूर अब्बू का है, उन्होंने मारा अम्मी को। मैंने कहा निकलो, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? मैं कहता हूँ निकलो। मैंने मना किया था ना तुम्हें? अच्छा, अच्छा ठीक। तुम ऐसा नहीं मानोगी, निकलो। नहीं ना करे बाबा, नहीं।
उसे कार सास की चुड़ैल ले गई। क्यों? तेरी वजह से। कभी कभी संभलने वाले खुद भी बिखर जाए तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। ऐसी ही थी अम्मी की जिंदगी अप्पू के साथ, मुश्किल। अप्पू की शराब, रोज रोज की मार, ताने, लड़ाई झगड़े, इन सब ने अम्मी की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। और एक दिन वो इन सब से आजाद होकर हमें छोड़कर चली गई। अम्मी की जान तुमने नहीं, ना ही उस पत्थर ने और ना ही उस धक्के ने जो अप्पू ने अम्मी को दिया। उनकी जान उस घटिया वजह ने ली जिसने अप्पू को धक्का मारने पर मजबूर किया। सब जानती थी मैंने कुछ नहीं किया आप पे। अजय सर, अजय, मैं इधर ही बैठा हुआ था। नौकरी नहीं है तुम्हारी? वो शादी के लिए छुट्टी ली थी, इस हादसे के बाद जा ही नहीं सका तो काम से छुट्टी हो गई। तुम्हारी गाड़ी नीचे नहीं थी, मुझे लगा कि तुम शायद घर पर नहीं होगे। सर वो खर्चे ज्यादा थे तो गाड़ी बेचनी पड़ी। कुछ पिएंगे आप? चाय विल बी गुड। वो कुछ पता चला सर आपको हलीमा का? नहीं, अभी तक कुछ नहीं, लेकिन तलाश जा रही है। सिकंदर, बाथरूम किस तरफ है? ये वो। थैंक यू। हाँ छोटू, तीन चार बिस्किट के पैकेट ऊपर लेकर आना, और घंटी का भी भरोसा नहीं है तो तू खटखटा लेना, ठीक है? कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, सब पुराने बिल लेकर आना, मैं क्लियर कर दूंगा आज ही।
चीजें आ गई। बड़ी जल्दी आ गया तू। हाँ ये सब कुछ किचन में रहते। अब आया है तो बर्तन ही धो के चला जा। एक एक बर्तन धोने के 100-100 रुपए लूंगा। चले छोड़े, आपके लिए 500 में कर दूंगा। देता हूँ तुझे 500 रुपए में। सर चाय। थैंक यू। सारे साहब आज ही चुका दोगे? कहीं जा रहे हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। सिकंदर भैया, बर्तन धो दिए मैंने और मैं जा रहा हूँ। वो फ्रिज में सामान पड़ा हुआ है, वो ले जाना। जी शुक्रिया। Nice pictures. कब से जानते थे अपनी वाइफ को? ज्यादा अरसा नहीं हुआ सर, लेकिन बहुत जल्दी हमें समझ आ गई थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। वैसे मैंने लेटर पढ़ा था तुम्हारी वाइफ का। तुम दोनों वाकई एक दूसरे के लिए बने थे। किस्मत देखें सर, हम दोनों एक ही शहर के, फैसलाबाद। अब मिले कहाँ? कराची। दोनों नौकरी ढूंढने आए। हम दोनों एक जैसे थे। ठीक, तुम दोनों एक जैसे हो। अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि तुम्हारी वाइफ अब नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या तुम्हें वाकई पूरा यकीन है कि तुम्हारी वाइफ के गायब होने में कारसास की भला का याद है? सर, अब मैं जब कड़ी से कड़ी मिला रहा हूं ना, तो मुझे लगता है कि हलीमा के घर वाले, उसके पापा, आपको पता ना पुलिस स्टेशन में आपको क्या बताया था? हाँ, कि तुम्हें उसके रिश्तेदारों पे कोई शक नहीं था। सर पहले शक नहीं था, लेकिन अब मुझे ऐसे लगने लगे कि कहीं ना कहीं हलीमा के घर वाले सारे मामले में इन्वॉल्व हैं। सर हमारे यहाँ तो सभी नाराज होते हैं, कभी पप्पो कभी बाप। मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक जा सकते हैं कि हलीमा को तकलीफ पहुंचाए। इस हद तक तो नहीं जा सकता। तो कारसास की बला का जो नक्शा खींचा था तुमने, वो सब ऐसा नहीं है कि मैंने देखी नहीं थी। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा यकीन गुमान में बदलने लगा, और उस वाकये के काफ़ी देर बाद तक मैं बेहोश भी रहा था। अब जब याददाश्त सरक सरक के वापस आ रही है, तो
हाँ कासिम, सिकंदर के अपार्टमेंट से मुझे एक औरत का सीना ऐसे मिला। हाँ तुम्हें सेंड किया, इसकी डिटेल्स निकलवाओ। सुनो, मुझे सब डिटेल्स चाहिए। ओके सर, सिकंदर मिर्जा फैसलाबाद से है, बचपन सारा यतीम खाने में गुजरा है। मैं फैसलाबाद के एसपी अजीम के साथ रابطے में हूँ। उसका कहना है इस लड़की के वालिद ने इसके ऊपर पर्चा कटवाया था भागकर शादी करने की वजह से। चूंकि ये बालिग निकली तो कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकी। इसका एक भाई भी है, शायद उन लोगों ने बदला लिया है अपनी बेटी से। सिकंदर भी यही कह रहा था। सिकंदर खुद भी मशकूक है सर। आई नो, इस वक्त तो सब मशकूक हैं। सर इसके पीछे बचा तो सिर्फ कारसाज और उसकी वो चुड़ैल। लोगों की वो कहानियां किसी ना किसी हकीकत की तरफ तो जरूर इशारा करती हैं। चलो अगर मान लिया कि लड़की के बाप और भाई ने बदला लिया, तो फिर 3 महीने इंतजार क्यों? और अगर सिकंदर ने ये सब कुछ किया है तो अब तक हमारी नजरों के सामने क्यों? ये नसरीन बीबी का सीएनआईसी मिला था सिकंदर के घर से, इसकी डिटेल्स मिली? सर ये औरत अपने शौहर का कत्ल करके मफरूर हो गई थी। इसके आसपास जो भी शख्स मिलता है वो तो कातिल निकलता है, गायब हो जाता है। नसरीन बीबी और सिकंदर मिर्जा का क्या कनेक्शन है वो पता चलाने में कुछ टाइम लगेगा। इस औरत का ये बायोडाटा है, इसकी कोई औलाद मेंशन नहीं है। शोहर का नाम हनीफ तैयब। जानजीब के पास जाओ, जो ज्वेलरी दी थी फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए फौरन लेकर आओ। सर कर रहा हूं, लेकिन जहांजीब की रिपोर्ट आ गई है। कोई बात नहीं, बताओ रिपोर्ट क्या। सर ब्लड में सिकंदर का डीएनए मिला है। इससे यह साबित तो नहीं होता कि सिकंदर ने कत्ल किया? सर मैं आपको इसकी कारसाज की सीसीटीवी फुटेज भेज रहा हूं, वो देख लें। और दूसरी फुटेज सिकंदर के पुलिस स्टेशन के बाहर की है। ओके भेजो। Thank you.
कोई है यहाँ? मैं किसी को तकलीफ पहुंचाने नहीं आया, किसी को तलाश कर रहा हूं। कोई है यहाँ? सब है, मेरा यह हकीकत नहीं है। मैं किसी भी वक्त उठ जाऊंगा। ये सब है, मेरी हकीकत नहीं है। देख सकते हो मुझे, सुन सकते हो मुझे, तो फिर वहम कैसे? कौन है तुम? मेरा नाम कमाल अजीज खान है। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, किसी को तलाश कर रहा हूँ। किसको तलाश कर रहे हो तुम? 4 तारीख को कारसाज पे एक्सीडेंट हुआ था, उसमें लड़की थी, उसे तलाश कर रहा हूँ मैं। हो गया मुझे, पागल हो गया, किससे बात कर रहा हूं मैं? पागल हो गया मैं, पागल हो गया मैं। पागल नहीं है आप, सब ऐसे आया सब ये है मुझे, कुछ तो देखा मुझे, सब ऐसे आया मुझे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।